पब्लिक मैग्नेट भाई फिर से आ गया है। तो भाई लोग आज के वीडियो में ना मैं रिएक्शन देने वाला हूँ अजय देवगन की अपकमिंग पिक्चर के ट्रेलर के ऊपर, जिसका नाम है औरों में कहाँ दम था। इसके अंदर पब्लिक अजय देवगन तो है ही, साथ में तबू है, जिमी शेरगिल है, शांतनु महेश्वरी है और साई मांजरेकर है। और इसको डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने, जो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर को पहले भी डायरेक्ट कर चुके हैं। और अजय देवगन और जो तबू की जोड़ी है ना पब्लिक, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर के ट्रेलर को देखने के लिए, जिसका नाम है औरों में कहाँ दम था। तो बिना वक्त जाए कि मैं इसको देखूंगा और इसके ऊपर अपना ऑनेस्ट रिव्यू और रिएक्शन दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाए तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं हेडसेट पहनता हूँ, आप लोग फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो को मैंने स्टार्ट कर दिया है कृष्णा स्टूडियोस। कोई हमको अलग तो नहीं करेगा ना? हम चेक किए थे, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। किसी ने ट्राई भी किया ना तो आग लगा देंगे दुनिया को। क्या बात है, अजय देवगन ने आग लगा दी क्या? आज मेन्यू में एक मर्डर भी है चाचा। चश्मा उतारा क्या? अरे अरे अरे, तकरीबन 23 साल पहले तुमने 2 खून किए थे और तुम कल रिहा होने वाले हो, पर तुमने एक एप्लीकेशन फाइल की कि तुम्हारी सजा कम नहीं की जाए। क्यों? सर मैं तैयार नहीं हूँ बाहर के लिए। वो कल निकल रहा है ना? मैं बताऊं तुम्हें क्या ज़िदें दिल की, जो भूल चुका वो भी याद रहा। मैं तुमसे बिछड़ के भी जाने क्यों, हर वक्त अच्छा सीन है तुम्हारे ही साथ रहा। बहुत वक्त था ना मेरे पास, आप तुम्हारे हर सवाल के कम से कम 5 जवाब है मेरे पास। मैं याद आती थी कभी तुम्हें। तो तुम हो कृष्णा अभिजीत। 22 साल पहले तुम्हारे पास करियर था, सपने थे, बसु थी, मगर इस एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? दिमाग का प्रॉब्लम है अभिजीत। करता पहले, सोचता समझता बाद में। पिछले 22 सालों में शायद ही कोई दिन होगा जब मैंने इस पल के बारे में सोचा ना हो। और 22 सालों में शायद ही ऐसा हुआ होगा कि मैंने इस पल के अलावा कुछ और सोचा हो। फुल ऑन इमोशनल लग रही है। जब दिल से धुआं उठा, बरसात का मौसम था, 100 दर्द दिए उसने जो दर्द का मरहम था। हमने ही सितम ढाए, हमने ही कहर तोड़े, दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहां दम था। औरों में कहां दम था। तो पब्लिक औरों में कहाँ दम था, जिसको डायरेक्ट किया नीरज पांडे ने, और ये 5 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। जो ट्रेलर था ना पब्लिक, वो मेरे को ओके ओके लगा, इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन मेरे को एक चीज़ क्या पसंद है पता है क्या, कि एक ड्रामा पिक्चर है, एक इमोशनल ड्रामा पिक्चर है। कोई इतना मार धाड़ तो दिखा नहीं मेरे को, है थोड़ा बहुत लेकिन इतना नहीं है। तो एक रोमांटिक ड्रामा इमोशनल पिक्चर होने वाली है, तो वो एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी। नीरज पांडे की पिक्चर इसी टाइप की होती है, मतलब वो अच्छी पिक्चर बनाते हैं। जैसे उन्होंने बताया स्पेशल 26 भी बनाया था, तो आपको देख के थोड़ा अच्छा लगता है। ये मार धाड़, ये वो, स्पेस, ये साईफाई वाईफाई सब हट जाती है। कोई रोमांटिक, एकदम रोमांटिक भी नहीं, रोमकॉम भी नहीं, एक अच्छी ड्रामा और बोलते हैं ना इसको इमोशनल, उस टाइप की पिक्चर होती है। तो आपको एक अच्छा, मतलब एक अच्छा कुछ देखने मिलता है बड़ी स्क्रीन पे। तो मेरे को ट्रेलर से तो ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत खास हो सकती है, इतना कुछ ऐसा लगा नहीं। लेकिन जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी तो हो सकता है कि स्टोरी दमदार हो
और जो एक्टर थे वो भी बहुत अच्छे, अजय देवगन, तबू, जिमी शेरगिल, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स है। तो हो सकता है कि उनके परफॉर्मेंस की वजह से, स्टोरी की वजह से पिक्चर और ज़्यादा चले, लेकिन अभी जो मैंने ऑफिशियल ट्रेलर देखा वो मेरे को कुछ इतना एक्साइटेड नहीं किया कि यार जाना है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, फर्स्ट डे ही जाके देखना है, उतना एक्साइटेड नहीं किया। लेकिन ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रेलर ओके ओके लगा मेरे को। अगर आपको ये मेरा रिएक्शन वाला वीडियो पसंद आया तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।